जलोर में आज एक सनसनीखेज हत्या वारदात सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने रिश्ते को कत्ल करते हुए खिलाड़ी से अपने भाई की हत्या कर दी। पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया। आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। मामला रेंडर थाना क्षेत्र के ग्रामीटोरा का है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर देर रात एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई के ऊपर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ आपको पता चल, छोटे भाई को मौके पर मौत के घाट उतार दिया और बेटी को बचाने आए पिता को भी आरोपी ने नहीं बख्शा। पिता के ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मौके पर फरार हो गया। ग्रामीणों ने सूचना मौके पर पुलिस को दी और घायल पिता को गंभीर रूप से इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। वहीं डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी भाई को अलाकतल कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्राइम की न्यूज चैनल के लिए डॉक्टर विनोद कुशवाहा, जलोन यूपी। मनोज कुमार है, मैं ग्राम रटोरा मांदुगढ़ का मूल निवासी हूँ। अतः रात को 12:45 बजे मेरे पिता ने मेरे चाचा का सरेआम कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। अच्छा, क्या घटना थी इसमें? क्या 2 बीघा जमीन में 13 डिसमिल मेरी चाची को नाम कर दी थी 15,000 रुपए देकर बाबा ने, और मेरे पापा को भी 15,000 रुपए दिए थे। कहा था कि तुम भी 13 डिसमिल जमीन अपने नाम करवा लो। इन्होंने पैसा खर्च करने के बावजूद इन्होंने जमीन नाम नहीं करा पाई, और चाचा ने मेरे ने पैसा जमा करके अपनी जमीन नाम करा ली, इसलिए उनका कत्ल कर दिया। घटना मेरे को एक रात को 1 बजे। कल रात में लगभग 12 बजे के आसपास रेंडर थाने के अंतर्गत वहाँ के ग्राम इटौरा में दो परिवार के बीच में, अपने ही परिवार में भाइयों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी के और ज़मीन के विवाद को लेकर, जिसमें जो बड़े भाई हैं जिनका नाम राम प्रकाश है, उन्होंने कुल्हाड़ी से अपने पिता पे और अपने छोटे भाई रविंद्र कुमार पे हमला किया। इस हमले में रविंद्र कुमार की मौके पे सोते हुए उसी समय मौत हो गई और पिता ने किसी तरह अपने आप को बचाया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, उन्होंने तुरंत मौके पर जाके बड़े भाई को जो राम प्रकाश है उनको गिरफ्तार किया, मुकदमा पंजीकृत किया गया 300 रुपये का, और आला कत्ल भी बरामद किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, इसके साथ आगे की विधि कार्रवाई भी की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन